प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 146वीं जयंती वरदान भवन द्वारका नगर गली नंबर 4 वैशाली नगर में मनाई गई। इस मौके पर बीके ज्योति बहन ने चित्रकूट धाम के पाठक जी महाराज और कृषि विभाग के पूर्व डायरेक्टर गोवर्धन दास मंदानी को तिलक लगाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्था और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर ब्रह्म बाबा को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही संस्था द्वारा जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए गए। इस मौके पर पाठक जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसी महान विभूतियां जिनके एक विशेष आभा ही उनको व्यक्ति से व्यक्तित्व बनाता है, उनके द्वारा किए कर्तव्य एक संगठन का विश्वव्यापी निर्माण कर उनकी महानता को इन ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा प्रत्यक्ष करता है। आज विशेष ब्रह्मा कुमारी संस्थान के जो फाउंडर है प्रजापिता ब्रह्मा, उनके 146वीं जयंती पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिव वरदान द्वारका नगर शाखा के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए और साथ ही साथ उनको मेडिटेशन करा के ये अनुभूति कराई गई कि किस प्रकार से हम मन की शांति से अपने जीवन में भी शांति को ला सकते हैं। और अगर हमारे पास आज भगवान ने कुछ देने लायक नहीं रखा है तो हम अपने जीवन में कम से कम दूसरों को दुआएं अवश्य दें। दुआओं का खाता दूसरों को खुशियां दे सकता है और आगे के जन्म की हमारी कमाई करा सकता है। यह शिक्षाएं भी उनको दी गई। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से चित्रकूट धाम के महंत श्री पाठक जी महाराज मौजूद रहे, पत्रकार रशिका महर्षि जी और कृषि विभाग के एक्स डायरेक्टर हमारे गोवर्धन दास जी वंदानी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रजापिता ब्रह्मा जी के जयंती पर केक कटिंग भी किया गया और इस अवसर पर सभी जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए और भोजन प्रसादी दी गई। जय श्री राम। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम एक विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे गुरुजनों का अवतरण दिवस मना रहे हैं और अवतरण दिवस के ऊपर जो सेवा कार्य प्रजापति ईश्वरी ब्रह्मा कुमारी इसके तरफ से जो हो रहा है इसके लिए उनको खूब खूब साधुवाद। ये जब जहाँ तक मैं व्यक्तित्व जानता हूँ पर्सनली कि ये लोग की जो सेवा कार्य है अद्भुत है, अद्भुत, क्योंकि उस व्यक्ति तक पहुँचना, समाज के उस वर्ग तक पहुँचना, उसका विश्वास जीतना, तब ही वो कहीं ना कहीं अपना जीवन में कुछ प्राप्त कर सकता है। वो जो कार्य आप कर रहे हैं इन कच्ची बस्तियों के लोगों के जरूरतमंद है उनको सीधा सीधा उन तक पहुँचे, ऐसी व्यवस्था आपने जो बनाई आज के दिन अपने गुरुजनों के स्मरण के अंदर, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में भी रह गया एक वर्ष से कम समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे, राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग, रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे, स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से लगता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। प्रारंभ कर रहे हैं हम अब जयपुर संभाग, यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।